नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड का। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर शुक्रवार के दिन 77 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजिशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो यह पब्लिक सेक्टर बैंक है। यह बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना दोस्तों 20 जुलाई 1908 को हुई थी, 112 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वो सयाजी राव गायकवाड़ जी हैं। इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है। इसके जो नंबर ऑफ लोकेशंस हैं वो 9,000 से भी ज्यादा ब्रांचेज हैं और 13,000 से भी ज्यादा एटीएम्स हैं। तो काफी बड़ा बैंक है। और इसके सर्विसेज की बात की जाए तो जो इसकी सर्विसेज हैं वे है कंज्यूमर बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्टगेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी सेविंग्स, सिक्योरिटीज, असेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट। और दोस्तों जो इसका ओनर है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं वो 84,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। और इसके जो मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप भी दोस्तों इसका काफी अच्छा है, 400 बिलियन का मार्केट कैप है। और दोस्तों आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि क्या शानदार चार्ट है और किस तरीके से यह शेयर नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया। और यहाँ पे दोस्तों बाउंस बैक का अभी चार्ट पैटर्न बन रहा है। और शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें 71.6% की होल्डिंग है, जो कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है काफी तगड़ी है। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और अभी दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बैंकों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और उससे बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बैड बैंक बनाने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों जो भी एनपीए हैं और जो भी बैड लोन्स हैं वो अब मार्केट प्राइस पर इस बैड बैंक को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिससे दोस्तों जो बैलेंस शीट है वो एकदम क्लीन और साफ सुथरी रहेगी। तो आने वाला समय दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अब बैड बैंक का जो गठन हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी रमण जी द्वारा किया गया है तो काफी पॉजिटिव है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। तो रिकवरी यहां से दोस्तों होने वाली है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। काफी अच्छा बैंक है, काफी बड़ा बैंक है, काफी सारे ब्रांचेस हैं, काफी एटीएम्स हैं और दोस्तों डिलीवरी भी काफी अच्छी हो रही है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आगे चल के भारत सरकार कोई ऐसा बड़ा फैसला भी ले सकती है जिससे इसका स्टॉक प्राइस और ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि इसका आगे आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 71.71% के ऊपर दोस्तों होल्डिंग है। तो हो सकता है कि 20 से 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो स्टैक है इसमें सेल कर दे। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग चाहें तो अब इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक को कैश में बाई कीजिए और इसके शेयर की जो डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 4 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 4 से 5 सालों में यह स्टॉक 210 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि 2015 में इसने 215 तक गया था जनवरी में। तो सेम पैटर्न बन रहा है बाउंस बैक का। यहाँ पे आप लोग पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।